भगवते वासुदेवाय। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में सुनने से पहले भगवान जगन्नाथ जी की कुछ प्रार्थनाओं को मैं कहूँगा, आप सभी लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। देव देव जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ, प्रपन्नार्ती विनाशन, प्रपन्नार्ती विनाशन, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, पतितं भवसागरम्, पतितं भवसागरम्, नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते धरणीधर, कलंबारे नमस्ते तु, कलंबारे नमस्ते तु, त्राहि मां कृष्णपूर्वज, त्राहि मां कृष्णपूर्वज, देवी त्वं विष्णुमायापी, देवी त्वं विष्णुमायापी, मोहयन्ति चराचरं, मोहयन्ति चराचरं, हृत्पद्मासनं संस्थासि, विष्णु भावानुसारिणी, सुदर्शन महाज्वाला, कोटि सूर्य सम प्रभा, अज्ञान तिमिरंधानां, वैकुंठाब्ध प्रदर्शक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, सुदर्शन महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन पर चतुर्धा मूर्ति यानी चार विग्रह उपस्थित होते हैं, जगन्नाथ, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी है क्या, हैं दिख तो नहीं रहे थे, ऐसे बाजू जगन्नाथ जी के पास सुदर्शन जी दंडे के रूप में रहते हैं, है ना, जगन्नाथ जी का हाथ ही नहीं है ना, तो सुदर्शन जी रह गएगा, उंगली में रहते हैं मगर यहाँ पर डंडे के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो अभी अभी देवहरि प्रभु जी ने बहुत सुंदर भजन गाए हैं कि जगन्नाथ कौन है, उनका परिचय इस भजन में बताया गया है ना। तो जगन्नाथ कौन है इसमें परिचय क्या बताया गया है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो श्री चैतन्य महाप्रभु है जिनको गौर कहते हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ भी हैं, यानी जगन्नाथ कोई और नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण ही जगन्नाथ है और जगन्नाथ ही कृष्ण है। मगर प्रश्न यह है कि अरे कृष्ण तो कितने सुंदर हैं, कृष्ण शब्द ही आकर्षक का द्योतक है कि नहीं, कृष्ण कहने से ही सर्वाकर्षक है, सबको अपने और आकर्षित करने वाले हैं, है कि नहीं। और कितने सुंदर श्याम सुंदर हैं जो तीन जगहों पर टेढ़े खड़े रहते हैं, त्रिभंगी ललित स्थानी में खड़े रहते हैं, इतने सुंदर सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल हैं, इतने सुंदर चितवन हैं, उनके मुस्कान का क्या कहना, पूरा संसार फिदा हो जाता है उनके पीछे, है कि नहीं। अरे गोपियों की बात तो दूर, वरिष्ठ गोपियाँ गोप ही बातें नहीं, यहाँ तक कि ब्रज की सारे वृक्ष लताएँ, सारे जानवर और सारे मोर, सारे गाय, सारे हिरण, सब लोग उनके और उनके सुंदरता के और आकृष्ट होते हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर, इतने सुंदर कृष्ण, इतना सुंदर बांसुरी बजाते हैं, उनके होंठ कितना सुंदर सुंदर है, उनके दोनों हाथों से बांसुरी पकड़े हुए रहते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं, उनकी चरण चिन्हों को देखते देखते अक्रूर जी वहाँ पहुँचते हैं, गाय उनका अनुकरण करते हैं, ग्वाल बाल, इतने सुंदर परम भगवान श्री कृष्ण, अभी जगन्नाथ कहने से कुछ हजम नहीं हो रहा है, इनके तो दोनों हाथ ही नहीं है, और सुंदरता की आँखों की क्या कहना है, तो आँख तो बड़े बड़े गोल गोल हैं, और वो सुंदर सा होंठ का क्या कहना, एकदम विस्तारित हो चुका है वो होंठ,
पैर का तो बात ही सवाल ही नहीं उठता, हाथ तो थोड़ा बहुत आधा आधा दिख रहे हैं मगर पैर तो दिख भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार से एक स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण ही है, ये कैसे ऐसे स्वरूप भगवान कृष्ण का हो पाया और क्यों भगवान कृष्ण इस प्रकार के स्वरूप को धारण करते हैं, उसके बारे में आज हम सुनेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग इन भगवान जगन्नाथ जी के इस स्वरूप के बारे में सुने होंगे, मगर विशेष रूप से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने तीन प्रकार के मुख्य विषयों को बताते हैं कि जगन्नाथ जी का ऐसा रूप क्यों होता है। इसमें दो मूल तथ्य हैं, एक भगवान कृष्ण ऐसे रूप को क्यों धारण किया, दूसरा इस संसार में इस धराधाम में ऐसा रूप कैसे आया, यह रूप यहाँ पर कैसे आया, धराधाम में विग्रह के रूप में कैसे आया, मूर्ति के रूप में या विग्रह के रूप में कैसे आया, और भगवान ऐसा स्वरूप को कैसे धारण किए, क्यों धारण किए। ये दो विषय, दो बातें जो है आज हम सुनते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों के साथ की लीलाएं, भक्तों के लिए तो अनंत है, हम कहाँ कह सकते हैं 7 दिन में या 2-2 घंटे में, और विशेष रूप से उतना समझने के लिए, उतना बोलने के लिए उतना ज्ञान भी होनी चाहिए, उतना कृपा भी प्रभु की होनी चाहिए। तो संक्षिप्त समय पर संक्षिप्त बुद्धि को लेकर इतने अनंत की व्याख्या जो है ना कर पाना, ये तो संभव नहीं है। फिर भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो कुछ भी हमें शास्त्रों से और आचार्यों की प्रवचनों से प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा जो मुझे याद है या जो कुछ भी मैं पढ़ा हूँ। भक्तों, एक बार की घटना है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं, और लेने के लिए कौन आते हैं? अत्यंत क्रूर अक्रूर जी आते हैं। गोपियों की भाव है कि नाम तो अक्रूर है मगर उनका कार्य कैसा था? क्रूर के जैसा, एक निर्दयी व्यक्ति के जैसा, क्योंकि उनके प्राण को, ब्रजवासियों के प्राण को उनके शरीर से अलग कर दिया गया था। तो अक्रूर जी बिचारे वे आए थे कंस के प्रेरित होने के वजह से, वे भगवान श्याम सुंदर, भगवान ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को और उनके भाई दाऊ जी को वो अपने साथ में लेकर गए थे मथुरा। हालांकि ब्रज गोपांगनाओं ने उनके रथ को रोकने के लिए अनेकों प्रयास किए, ब्रजरानी यशोदा मैया को भी यह इच्छा नहीं था, परंतु कैसे भी करके अक्रूर जी समझा बुझाकर और अंत में भगवान भी खुद भी समझाए, मैया चिंता मत करो मैं वापस जरूर आऊँगा। गोपियों को भी कहते हैं कि हम वापस जरूर आएंगे राधे, क्यों चिंता करते हो। इस प्रकार के आश्वासना देकर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर वे जाते हैं मथुरा, जहाँ पर उनके माता पिता वसुदेव जी और देवकी माता को कंस कारागार में रखा हुआ था उनका उद्धार करते हैं, और उनके मामा जो क्रूर कंस था वो उसका भी उद्धार करते हैं। कुबलयापीड़ नामक हाथी, चाणूर और मुष्टिक जैसे धुआंधार खतरनाक जो मल्ल योद्धाओं को परास्त करके, कंस को परास्त करके वे क्या करते हैं, अपने माता पिता को कारागार से निकालते हैं, इससे हम सभी जानते हैं। मगर भक्तों, माता पिता को कारागार से निकालने के उपरांत परम भगवान श्री कृष्ण, वो जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो गोपीनाथ है, गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले, भरण पोषण करने वाले हैं, गोविंद है, वे ब्रज गोकुल में वृंदावन में वो दोबारा रिटर्न नहीं आए थे, वो वापस नहीं गए थे। और यह विरह, ये जो दूरता का जो दुख है, वो ब्रजवासियों के अंदर दिन प्रतिदिन वो बढ़ता गया। जब भी जा रहे थे उसी समय वो रोक रहे थे उनके रास्ते को कि प्रभु आप कैसे हमको छोड़कर जा सकते हैं, अक्रूर को कह रहे थे कैसे शरीर को प्राण को शरीर से अलग करेंगे तो ये प्राण कैसे जीवित रह सकता है करके उन्होंने पुकारा। परंतु ये आशा था कि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, ये वापस आऊँगा शब्द जो है ना उनका प्राण को बचा के रखा हुआ था, और वो ये वेट कर रहे थे कि कब हमारे श्री कृष्ण वापस आएंगे, यह सोचकर वो इंतज़ार कर रहे थे कि कृष्ण की वापसी का।
मगर भगवान मथुरा में कई लीलाओं को करने के उपरांत वो जरासंध आदि के समस्याओं के वजह से मथुरा वासियों को लेकर वो अपना एक नया जगह बना दिए, कहाँ पर, द्वारका नगरी बिठाएं और द्वारका में चले गए। भले ही भगवान मथुरा में राजकार्य संभाले, द्वारका में जाके द्वारकाधीश हो गए, जिस प्रकार से ब्रजवासी लोग, जिस प्रकार से माँ यशोदा, जिस प्रकार से नंद बाबा, जिस प्रकार से ब्रज गोपांगनाओं ने, जिस प्रकार से ब्रज के सारे मित्र लोग भगवान श्री कृष्ण के विरह में दग्धीभूत हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार से स्वयं भगवान भी ब्रजवासियों के विरह में दग्धीभूत हो रहे थे। प्रेम जो होना होता है वो असलियत में दोनों तरफ से ये आग, प्रेम की आग लगी हुई थी। परम भगवान उतना ही याद कर रहे थे उन सबको जो उनके भक्त हैं, और भगवान का भक्त भी उतना ही भगवान को याद कर रहे थे। ब्रजवासियों का कहना क्या है हम उसको सह नहीं सकते, उसको वर्णन नहीं कर सकते। ब्रजवासियों का दुख को हम अगर तुलना कर सकते हैं तो केवल इतना कह सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम जिस समय अयोध्या को छोड़कर वो वनवास में चले गए थे, अयोध्यापुरी के वासियों का जिस प्रकार की हालत हुई थी उससे भी बदतर हालत हो चुका था। किसका? ये ब्रजवासियों का, ब्रज के निवासियों का, सबका ऐसे हालत हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण का विरह, भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी ध्वनि का विरह, भगवान का इस सुंदर विग्रह का दर्शन करने का विरह जो कि वो लोग सह नहीं पा रहे थे। दिन प्रतिदिन यशोदा मैया केवल कृष्ण की याद करते 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 आँखों में आंसुओं की धारा बहकर वो नदियों के रूप में गंगा यमुना जी में जाकर मिल रहा था, और नंद बाबा उनको समझा रहे थे कि हे यशोदा तुम चिंता मत करो, हमारा कान्हा निश्चित रूप से वापस आएगा। ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का कहना क्या है, उनका प्राण रूपी कश्यप यानी कछुआ वो केवल जैसे गर्मी के समय पर तालाब सूख जाने के वजह से सारे प्राणी तो मर जाते हैं, कई बार कछुआ जो है वो मिट्टी के अंदर भी दबा हुआ वो प्राण में रहता है, को वेट करता है कि कभी बारिश होगा। ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्राण जो है वो केवल रुका हुआ था कि वो बारिश की इंतजार कि कब श्री कृष्ण की दर्शन वापस मुझे होगा, और श्री कृष्ण बोले हुए थे कि मैं वापस आऊँगा करके उसको याद करते करते कृष्ण के विरह में जो है ना दग्धीभूत हो रही थी। और ठीक उसी प्रकार से वो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भी वही हालत था। भगवान श्री कृष्ण हर समय ब्रजवासियों को याद कर रहे थे, उन गोपियों को याद कर रहे थे, माता यशोदा को याद कर रहे थे, नंद बाबा को याद कर रहे थे। जब भी सोते समय, बैठते समय, कुछ कहते समय अचानक वो बोल उठते थे, राधे राधे, वो बोल उठते थे। कभी कभी रुक्मिणी मैया, सत्यभामा आश्चर्य होती थी, राधे कौन है, हम यहाँ पर 16,108 पटरानियाँ हैं, 8 तो मेन पटरानियाँ हैं, हम इतनी सेवा में लगे हुए हैं और ये 16,000 रानियाँ सेवा में लगे हुए हैं, इसके अलावा उद्धव जैसे दोस्त जो हर समय इंतजार करते हैं और पूछते हैं कि क्या सेवा करूँ प्रभु करके, इसके अलावा इतने सारे नौकर चाकर, इतनी सारी व्यवस्थाएँ हैं, राजमहल है, और ऐसी सुविधाओं में फिर भी भगवान ये राधे को याद करते हैं, तो ये है कौन ये राधे। और कभी कभी वो सो के जाग के उठ जाते थे मैया मैया करके, कभी बाबा बाबा करके बुलाते थे नंद बाबा को, कभी अपने दोस्तों का नाम लिया करते थे। और इन सारे नामों को सुन के रुक्मिणी मैया, सत्यभामा जो है बड़े चिंतित रहा करते थे कि ये है कौन, ये यशोदा मैया कौन है, ये नंद बाबा कौन है, ये राधा कौन है, गोपियाँ कौन है, जिनके नाम जय श्री राधा गोविंद जी की जय। तो ये सब नाम कौन है, हमने तो कभी सुना नहीं। आपस में बातें करते थे भगवान कृष्ण की सारे रानियां, आपस में बातें किया करते थे। वो पूछती थी कि अरे रुक्मिणी दीदी, आज प्रभु जब ही शयन कक्ष में उठ रहे थे, मैंने जगाने गई तो उस समय देखी वो चिल्ला उठे थे गोपी गोपी करके, तो ये गोपी कौन है, ये राधा रानी कौन है। तो और एक रानी आकर कहती है, अरे मेरे वहाँ पर तो यशोदा मैया कह रहे थे, यशोदा मैया कौन है, ये लोग कौन हैं, भगवान इतना प्रेम करते हैं जिनको, वो सोते समय, जागते समय, खाते समय याद करते हैं उनको, उनके 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 चिंतन में लगे रहते हैं। इस बात का ये जो प्रश्न है ये रानियों के मन में ये चलता रहा चलता रहा।
एक बार की घटना है, स्वयं रुक्मिणी माता भगवान की सेवा करते करते निवेदन करती हैं कि प्रभु मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं पूछिए ना, हम 16,108 रानी आपकी सेवा में, स्पेशली हम 8 रानी आपकी सेवा में, और इतने सारे नौकर चाकर सभी लोग आपकी सुख सुविधाओं का बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, इसके उपरांत भी आप बीच बीच में कभी यशोदा मैया, नंद बाबा और राधे करके जब चिल्लाते हैं, ये है कौन राधे, ये राधा कौन है और यशोदा मैया कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। बकायदा मैं नहीं, हम सारे रानियाँ जानना चाहते हैं। इस बात को सुनकर भगवान गंभीर हो जाते हैं और मुस्कुराकर केवल इतना कहते हैं, ये बात रोहिणी माता को पूछना, वो आपको बता सकती हैं। और प्रभु भगवान उठकर चले जाते हैं अपने सुधर्मा सभा में, द्वारका में। जैसे ही रुक्मिणी देवी सुनती हैं कि रोहिणी माता से पूछना है, तो उनके मन में ये प्रश्नवाचक चिन्ह और बड़ा हो जाता है। ऐसा क्या बात है कि प्रभु खुद नहीं बोल सकते हैं और रोहिणी मैया के पास भेजे, ऐसे क्या बात है जो रोहिणी मैया कह सकती है ये नहीं कह सकते। तो रोहिणी मैया से जाकर पूछते हैं, तो जब ये रोहिणी मैया से कुछ रानियाँ मिलकर पूछते हैं, रोहिणी मैया कहती हैं, रोहिणी मैया आप जानते हैं ना आप लोग, बलराम जी की माँ है ना, बलराम जी की माँ। जब ये रोहिणी मैया से पूछते हैं तो तभी रोहिणी मैया कहती हैं, मैं ये कथा तो सुनाऊँगी आपको, ज़रूर मैं ये कथा सुनाऊँगी, परंतु शर्त यह है कि ये कथा सुनने के लिए दोनों भाई नहीं होना चाहिए। अगर गलती से ये दोनों भाई इन कथाओं को सुनेंगे तो द्वारका में नहीं रहेंगे और तुरंत उसी जगह पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ही लोग जानते हैं कि वो कितना याद करते हैं उस जगह को, उन लोगों को। अगर उनके बारे में बताएंगे तो उनका याद जो है, उनका प्रेम और बढ़ेगा, क्योंकि साधारणतः तो एक व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति का प्रेम और कब बढ़ता है, जब उसके बारे में और सुनता है। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, अगर परम भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाना है तो उनके बारे में ज़्यादातर सुनना चाहिए, है कि नहीं। इस श्रवण इंद्रिया जो ना बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए भक्ति की शुरुआत नवदा भक्ति में से भी सबसे पहले क्या आता है, श्रवणम, है कि नहीं, श्रवणम से आता है। तो भगवान ऐसा है कि अगर वो उनके बारे में सुनेंगे, उनके प्रति का प्रेम और बढ़ेगा उनके अंदर जितना है, और उन लोग के पास चले जाएंगे वो हमको छोड़कर। आप चाहते हो द्वारका छोड़ के चले जाएं? रानी बोलते ना कदाचित नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो फिर इसलिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट होनी चाहिए जहाँ पर ये दोनों भाई वो ना सुने उन कथाओं को। फिर सब लोगों ने विचार विमर्श किया कि कैसे सुन सकते हैं, कहाँ सुन सकते हैं। तो विचार विमर्श करने के बाद सभी लोगों ने तय किया कि एक बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ पर वो रोहिणी मैया से भगवान कृष्ण की उन लीलाओं को सुनना चाहते हैं जब भगवान ने ब्रज में लीलाओं को किए, उन लोगों के बारे में सुनना चाहते हैं जो ब्रज में, जिन लोगों का नाम यहाँ पर कृष्ण ले रहे थे। तो जब भी इस प्रकार से उस हॉल को तय किए इन लोगों ने, कृष्ण बलराम तो वहाँ पर राज्यसभा में गए हुए थे, मगर बात यह थी कि गेट पर कौन रहेगा, क्योंकि भगवान जो है वो रुकने वाले तो है नहीं, जहाँ कथा चलती है प्रभु वहीं रहते हैं। खुद भी कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे बारे में बोलते रहते हैं मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, मैं वहीं पर रहता हूँ बकायदा। तो इसीलिए रोहिणी माता कोई गेट पे भी कोई होना चाहिए, ताकि वो आना नहीं चाहिए और उनके कान में ये कथा जानी नहीं चाहिए। तो गेट पे कौन रहेगा, एक रानी से दूसरा तीसरा, ऐसे सारे रानियाँ वहाँ इकट्ठा हो गए थे 16,000, सोचिए। और रोहिणी मैया ब्यास आसन पर है कि नहीं, और सामने 8 पटरानियाँ, और फिर बाकी सब लोग चारों तरफ बैठे हुए कथा सुनने के लिए। अभी गेट पर कौन रहेगा, सबको कथा सुनने की इच्छा है कि नहीं। अपने पति के बारे में कौन सुनने की इच्छा नहीं करेगा, और वो भी वो किसी और का नाम ले रहा है रात को, है कि नहीं, सपने में। स्वाभाविक ही एक बहुत बड़ा सा प्रश्न रहेगा कि ऐसा कौन है। तो फिर रानियां तो एक दूसरे को देखने लगे, कौन जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा। तब सभी रानियां मिलकर सुभद्रा मैया की ओर देखे। सुभद्रा देवी सबसे छोटी थी, क्योंकि वो तो भगवान की बहन है ना, और बाकी सब भाभियां हैं, और वो तो बिचारी रही नानंद। अभी भाभियों ने विशेष रूप से रुक्मिणी माता सुभद्रा को देखी। सुभद्रा माता बोली मुझे भी सुनना है, मैं भी नहीं थी वहाँ पर। तो सब लोगों ने देखे तो समझ गए ठीक है, मैं ही जाती हूँ वहाँ पर, क्योंकि अभी ऑप्शन ही नहीं था।
और रुक्मणी माता समझा बुझा के उनको कहती, तुम ही तुम्हारा भाइयों को रोक सकती हो और तुम जाओ गेट पर। गेट क्लोज करके रोहिणी माता ने प्रवचन शुरू किया, भगवान कृष्ण की लीलाओं को बोलना शुरू किया। और गेट पर दोनों, गेट बंद करने के बाद दोनों हाथों को ऐसे द्वार पर रख के, सुभद्रा महारानी भी ध्यान से सुनना ट्राई कर रहे थे, दोनों हाथ को ऐसे रखी है और रख के वो सुन रही है कृष्ण कथाओं को। तभी रोहिणी मैया अभी क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। रोहिणी मैया बोलना कैसे शुरू करते हैं मालूम है, और सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि जो जगह जिस लोगों के बारे में वो कहते हैं उनकी जगह के बारे में कहती है रोहिणी मैया, ये लोग कहाँ पर रहते हैं। ये जो यशोदा के बारे में सुन रही हो, और ये जो यशोदा के बारे में सुन रही हो, ये जो नंद बाबा है, ये गोपियाँ हैं और राधा रानी, ये सब कहाँ रहते हैं, वो जगह का नाम है ब्रज, वृंदावन। क्या मधुरिमा है उस जगह का, उसकी मधुरिमा को आस्वादन करने के लिए, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं भव स्वयं शिवजी भी उस जगह पर आते हैं ब्रज आस्वादन करने के लिए, लक्ष्मी जी भी उस लीला को आस्वादन करने के लिए आते हैं, ब्रह्मा जी तरसते हैं कि उस ब्रज की रज को अपने माथे पर धारण करने के लिए। ऐसी जगह है जो उस जगह की एक रेत, रेत होता है बालू, उसकी एक कण जो है वो वैकुंठ की बहुत ही महंगे वैदुर्य के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता है, इतना ऐश्वर्य है वहाँ पर, मगर मधुरिमा से ढका हुआ ऐश्वर्य है, मधुरता वहाँ पर झलकता है। और उसकी सुंदरता के बारे में जो है वो वर्णन करती हैं, कौन वर्णन करते हैं, रोहिणी माता वर्णन करते हैं, मधुरता का वर्णन करते हैं। कहते हम लोग जो द्वारका में रहते हैं ये तो ऐश्वर्य से भरा हुआ है, ये तो यहाँ पर सब कुछ सूखा सूखा लगता है एकदम से, मगर जो वृंदावन धाम है, जो ब्रज हैं, ये अत्यंत मधुर हैं। ब्रज की सब कुछ मधुरता है, वहाँ कर यमुना का नदी, यमुना नदी से बहता हुआ बहुत सुंदर सा हवा, जो पवन धीर समीर है, धीर समीर यमुना तीर, वहाँ का जो धीर समीर है यमुना के तीर में, वो कुंज वन है, कुंज गलियाँ हैं, और विशेष रूप से वहाँ कर वहाँ पर जो मोर की बोली है, भगवान की बांसुरी की धुन है, वहाँ के जो वृक्ष लताएँ हैं, वहाँ के गाय हैं, गाय के अंबार जो उनका आवाज़ है, वो गोखुर का धूल है, ब्रजवासी ब्रज गोपांगनाओं का जो चाल है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण है, ये सारा जो है ना अद्भुत दृश्य, अद्भुत वातावरण है, जो स्वयं ब्रह्मा जैसे देवी देवता भी तरसते हैं उस जगह का मधुरिमा को आस्वादन करने के लिए। फिर वो ब्रज का वर्णन करते हैं किस प्रकार से ये वृंदावन, और वृंदावन की उस कुंज लताएं, उस स्थान की वर्णन बहुत सुंदर तरीके इस भजन में कहा गया है। वंशीवट गोकुल धीर समीर वृंदावन, वहाँ के तरुलतिका, वहाँ कर खग मृग, और वहाँ कर जो मलय बतास है, मयूर है, भ्रमर है, मुरली का जो आनंद है, वेणुश्रृंग पद चिन्ह, भगवान का जो चरण कमलों का चिन्ह है, मेघमाल है, इन सभी चीज़ों की बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से रोहिणी माता जो है जो रानियों को, द्वारका के रानियों को बता रही है, द्वारका के रहने वाले यानी शहरी लोग। और अभी वर्णन किसका सुन रहे थे, गाँव की, तो उन लोग को थोड़ा उतना लग नहीं रहा था, अरे इतना बड़े बड़े महल है, इतने अच्छे नौकर चाकर है, इतना सुंदर शहर का वातावरण है, गांव का वर्णन हो रही है वहाँ पर। तो फिर बाद में उनकी तुलना करने लगी रोहिणी माता, कहती यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वेद ध्वनि है, मंत्र ध्वनि है, बड़े बड़े मंत्रों के साथ श्लोकों के द्वारा वेदों की ध्वनि से भगवान की प्रार्थना करते हैं, कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, जब कृष्ण सभा में जाते हैं तो वेद ध्वनि होती हैं, वेदोध्वनि के साथ भगवान की यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है, मगर वहाँ पर ब्रज में गालियों के साथ उनका स्वागत की जाती है। वहाँ पर ब्रज गोपांगनाओं ने उनको गाली देते हैं, लंपट कहते हैं, ठग कहते हैं, चोर करके बुलाते हैं, और वो उनको इस वेदोध्वनि से भी अच्छा लगता है। जब भी गोपियाँ लंपट बुलाते हैं, चोर कहते हैं, उनको डांटते हैं, तब भी कृष्ण कहते हैं कि वो ब्राह्मणों की वेद ध्वनि भी मेरे कान तक आती नहीं है, अगर आती भी तो है उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा गोपियों की
ये गाली मुझे सुनने का, डांट मुझे सुनने के लिए अच्छा लगता है, ये अंतर है। तो सब लोग आश्चर्य सुन, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ के वेद ध्वनि से श्रेष्ठ उनकी भर्सना, वसना मतलब तिरस्कार, डांटना, ये अच्छा लगता ना? हाँ, उनको इतना अच्छा लगता है। ओहो, फिर वो कहते हैं यहाँ पर तो बड़े बड़े राज प्रसाद हैं, कंक्रीट के जंगल है ये तो, है कि नहीं? बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े राज प्रसाद है, बड़े बड़े खम्भ है मोतियों से बने, वहाँ पर तो सब छोटे झोपड़ियाँ हैं, है कि नहीं? है, तो वहाँ पर विशेष रूप से कुंज वन है, कुंज वन वृंदावन की, कुंज वन का अर्थ होता है ये घर असलियत में वो बनाया हुआ नहीं रहता है, प्रकृति के द्वारा जो लताओं से बना हुआ रहता है, वो गुफा जैसा लताओं से उसमें सिस्टम रहता है, उसमें भी हॉल होता है, बेडरूम भी होती है और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। कुंज जो भी सजाते हैं राधा और कृष्ण के लिए, कुंज जो गोपियां सजाते हैं पौर्णमासी के अध्यक्षता में वृंदा देवी के अरेंजमेंट से, तो उसमें एंट्रेंस होता है, गेट की बहुत तैयारियां होती है और सब कुछ जो है ना लताओं से, हाँ, वृक्ष ऐसे बने हुए रहते हैं। आप कभी वृंदावन में गए होंगे, निधि वन गए होंगे, निधि वन और दूसरा कौन सा है, सेवा कुंज, हाँ, सेवा कुंज ना, तो वहाँ पे वृक्ष देखे होंगे ना, कितने छोटे छोटे, कैसे ये उसी प्रकार से पूरा घर बन जाता था और भगवान को बहुत पसंद है। कई घंटों वहाँ पर गोपियों के साथ बिताया करते थे, ये राज प्रसाद उनको उतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर तो समुद्र हैं, हवा भी आती है नमकीन हवा, आवाज़ भी आती है तो इतना शोर करता रहता है, घड़ 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 करके, है कि नहीं? क्योंकि उनका समुद्र का लहरें होते हैं ना, मगर वहाँ तो मधुर मधुर यमुना जी के ऊपर से बहता हुआ शीतल हवा आता है, इतना अच्छा लगता है शरीर को, वो मनमुग्ध कर होता है ये धीर समुद्र यमुना का किनारे वाला। यहाँ पर तो दास दासियाँ हैं, वहाँ पर सब सखा और सखियाँ हैं, यहाँ पर सेवक होते हैं और वहाँ पर सखा होते हैं, यहाँ पर हाथ जोड़कर सेवक बैठे रहते हैं कि प्रभु मेरे लिए कोई आदेश है क्या, कुछ सेवा है क्या, और वहाँ पर खड़े रहते चलना जल्दी खेलने का टाइम हो गया है, क्या कर रहा है घर में अभी तक है? और यहाँ पर ऑर्डर पाने के लिए हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं, और वहाँ पर वो उनके साथ खेलते हैं उनके दोस्त लोग। हालांकि यहाँ पर भी उद्धव वगैरह दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मगर वो कह सकते हैं कि कृष्ण के कंधे में हाथ रख के चल का ना खेलने चलते हैं करके कह लेंगे उद्धव जी ना, मगर वहाँ पर श्री राम वगैरह वो क्या कहते हैं, कंधे में हाथ रख के चल, तू हार गया ना, हमको सर अपने पीठ पर बिठा के, कंधे पे बिठा के सैर करा के लेके आ। बोलता अरे मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, नंद राजा का। अरे बड़ा आया नंद का लड़का, हम भी कौन से कम हैं, हमको घुमा के लेके आ। ये जो अंतर है, ये अंतर है वहाँ पर। यहाँ पे वसुदेव जी अपने बेटे को बेटा करके बुलाने के लिए डरते हैं, वहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कान्हा मेरा चप्पल ले आ जा, तो और वो जाते हैं और वो उठाते हैं पादुकाओं को और नाटक भी करते हैं, बाबा बहुत भारी हैं, उठाऊं क्या, उठा नहीं पा रहा हूँ बाबा, और 7 साल की उम्र में 7 दिनों तक पहाड़ उठा के रख सकता है, अभी वो चप्पल उठाने के लिए कह रहा है पादुका को कि बाबा मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, और सारे गोपियाँ हंसते हैं और बड़ी प्रयास करके बाबा के पादुका को अपने माथे पे लेकर चलते चल के आते, बाबा पादुका ले आया करके, और नंद बाबा बड़े खुश होकर पादुका का हाथ में लेकर उनके गोद में ले लेते हैं, मेरा कान्हा कितना मेहनत किया मेरा पादुका लाने के लिए करके। और यहाँ पर वसुदेव जी जो है वो बेटा कहने के लिए भी वो पीछे हटते हैं, खड़े रहते हैं, ये तारतम्य। यहाँ पर देवकी माता गोद में लेने की बात तो दूर है, वो बेटा नहीं कह पा रही है, द्वारकाधीश और कृष्ण करके बुला रही है, और वहाँ पर यशोदा मैया क्या थोड़ा सा माखन का मटकी तोड़ दिया करके दही का, और डंडा लेके पीछे दौड़ा दी, पूरा बाजार में इज्जत निकाल दी, फिर लाके वहाँ पर बांध दिया उखल पर सबके सामने, पड़े रहे दोपहर तक, कोई नहीं तो उनको छुड़ा पाया जब तक नंद बाबा नहीं आ गए। ये अंतर है द्वारका में और ब्रज में। तो रोहिणी माता समझाना चाहती है कि ये द्वारका के महिषियों को, द्वारका के इस रानियों को, कि ब्रज का जो भाव है वहाँ पर
प्योर, ये शुद्ध जो है प्रेम भाव है, ऐश्वर्य थोड़ा भी नहीं है। और यहाँ पर ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है और वहाँ पर ऐश्वर्य रहित प्रेम है जो ब्रज का भाव है। यहाँ पर हम सब सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं, मगर वहाँ के लोग सोचते हैं कि कृष्ण हमारे हैं। ये अंतर होता है, ये सोचना कि हम कृष्ण के हैं और ये सोचना कि कृष्ण हमारे हैं। यहाँ पर हम सोचते हैं कि कृष्ण, हम कृष्ण के हैं इसलिए कृष्ण हमें बचाने के लिए द्वारका बसा लिया है ना, और वहाँ पर वे सोचते हैं कि कृष्ण हमारे हैं इसलिए लाखों मेहनत करते हैं कि कृष्ण को असुरों से, कंस से, अलग अलग असुविधाओं से कैसे बचाएंगे करके। ये भाव होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अनेकों बातें जो है वो बता रही हैं यशोदा, रोहिणी माता जो है वर्णन कर रही है। इतना केवल वर्णन सुनते सुनते केवल ब्रज की और द्वारका की तारतम्य, पार्थक्य यानी डिफरेंस की वर्णन सुनते सुनते ही ये जो द्वारका की रानियां हैं बहुत आनंद में और भाव विहोर होकर और ज़्यादा सुनने की इच्छा में वो सुन रहे थे। आगे आगे और बताते गए, और बताते गए रोहिणी माता किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म 6 दिन में किस प्रकार से पूतना नामक राक्षसी को उन्होंने उद्धार किया था, फिर कैसे सकटासुर का उद्धार किया, फिर धीरे धीरे से कैसे वो धीरे धीरे से रेंगना शुरू किए। जब ये रेंगना शुरू किए थे वो रेंगते रेंगते बाहर चले जाते थे और गाय तो चरने गए हुए रहते थे, जब ये बछड़े होते थे आंगन पर और बछड़े के पूँछ पकड़ लेते थे वो जाकर, और अभी पूंछ पकड़ने पर बछड़ा डर जाता था, सोचता था कि कोई मुझे पकड़ गया तो बछड़ा भागने लगता था। तो कृष्ण सोचते थे बछड़ा को अगर छोड़ दूंगा तो मैं कुछ हो जाऊंगा, वो और जोर से पकड़ते थे। तो बछड़ा कृष्ण को खींचते हुए जो है वो ब्रज के आंगन में ले जाता था जहाँ पर गोबर, गोमूत्र और ब्रज की जो सॉफ्ट सॉफ्ट धूल है उससे पेस्ट जो है भगवान के शरीर में पूरे लग जाते थे। सारे ब्रज गोपांगनाओं ने देख कर हंसते थे और यशोदा रानी को बुलाते थे, यशोदा रानी दौड़ के जाकर डर के मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, वो कीचड़ के भरा हुआ कृष्ण के उठाकर अपने छाती पे लगा देती थी और उनको प्रेम करती थी। इन सारे बातों को कह रही थी और बड़े आश्चर्य होकर बड़े भावपूर्ण भाव ढंग से सारे द्वारका की जो रानियां हैं वो रोहिणी माता के बातों को सुन रहे थे। और जब ये कथा चल रही थी तभी भगवान कृष्ण और बलराम उस सभा में बैठ नहीं पाए, क्योंकि हमें पता है कि कृष्ण अगर उनकी कथा चलती है तो वहाँ पर निश्चित उपस्थित रहते हैं। वो दोनों अपने सभा में बैठ नहीं पाए, वो सोचने लगे कहाँ हमारे बारे में डिस्कस हो रहा है भाई। तो दोनों भाई जब आकर देखते हैं कोई रानी अपने अपने जगह पर नहीं थे, कोई रानी अपने अपने वास पर नहीं थे, खोजने लगे खोजने लगे कि रानियाँ कहाँ गए। तब जहाँ पर कथा चल रही थी उस हॉल पर आते हैं और देखते हैं वहाँ पर सुभद्रा जी जो है वो मग्न हो के कृष्ण कथा सुन रही है। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि क्या सुन रही है ये, और द्वार बंद रख के दोनों बाजू, सुभद्रा के दोनों बाजू दोनों भाई खड़े होकर वो भी ध्यान से सुनने लगे। अभी कृष्ण की ही कथा कृष्ण ही सुन रहे हैं, रोहिणी माता प्रवचन दे रही है, सुभद्रा भी कथा में इतना तल्लीन हो चुकी थी सुभद्रा देवी कि दोनों भाई आए हुए हैं उसको पता भी नहीं चला, वो भी तल्लीन होकर सुन रही है। ये दोनों भाई कृष्ण बलराम भी, सुभद्रा की लेफ्ट में कृष्ण जी और राइट में बलराम जी, ये दोनों भाई भी तल्लीन होकर, तीनों ही तल्लीन होकर सुन रहे, उधर सारे रानियाँ भी सुन रहे हैं। और ये कहते गए बोले कि देवियाँ क्या बताऊँ मैं आपको, ये बहुत पहले की घटना है, ये द्वारका की बात है, आप लोग का शादी हो रहा था, हुआ नहीं था उस समय पर, असलियत में मैं आपको बताऊं आप आश्चर्य हो जाएंगे यशोदा रानी की महिमा के बारे में। तो सारे रानियां बोलते हैं बताओ बताओ यशोदा रानी की और महिमा कि कितना प्रेम किया करती थी वो कृष्ण को। तो रोहिणी देवी कह रही है कि एक बार की घटना है, जब एक कृष्ण का जन्म हुआ था वसुदेव जी तो जेल में थे, तो उनको दान देना था गाय, तो दान दे नहीं पाए थे, उन्होंने मन में संकल्प कर लिया था कि मैं गाय दान दूंगा और यज्ञ करूंगा करके, अभी वो तो नहीं कर पाए। अभी कृष्ण जब भी वापस आ गए तभी इस यज्ञ का आयोजन किया गया, उस समय कंस वगैरह सब मारे जा चुके थे, कंस की माँ थी पद्मा करके, वो इनके पास ही रहा करती थी नानी के रूप में, और भगवान कृष्ण वसुदेव जी देव की माता
तो इन लोगों ने प्लानिंग किया कि एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया जाए, भगवान जी कृष्ण और वसुदेव जी जो संकल्प लिए थे गाय दान देने के लिए, वो गाय का दान इस यज्ञ में सबको प्रदान करेंगे। इस प्रकार से तो यज्ञ का आयोजन हुआ। अभी भगवान स्वयं श्री कृष्ण यज्ञ करने वाले हैं द्वारकाधीश, और उनके यज्ञ के बारे में जो है ना सब जगह प्रचार तो होना चाहिए, पैम्पलेट छपनी चाहिए, बैनर छपना चाहिए, सब जगह एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आनी चाहिए, है कि नहीं, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सअप सब जगह शेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मगर उस टाइम पे ये सब तो था नहीं, खबर कैसे पहुंचेगा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा खबर पहुंचाना चाहिए जो सभी जगह पहुंच सकता हो आसानी से, और इसके लिए सबसे सही व्यक्ति कौन थे मालूम है? नारद मुनि। क्यों? कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, मन यान है उनका, है कि नहीं, जहां मन करेंगे वहां पहुंच जाएंगे, कोई यान की आवश्यकता नहीं है, कोई विमान की आवश्यकता नहीं है, और मैसेज पहुंचाने में बड़े माहिर हैं, है ना, बराबर उसमें 6 को 9 बना के, है कि नहीं, मिर्च मसाला लगा के ऐसी प्रस्तुत करेंगे, और ये मिर्च मसाला उसी में लगाते हैं जिसमें भगवान कृष्ण की गुणगान हो, ग्लोरीस हो, उनकी महानता बढ़े, उनके नाम की प्रचार उसी में लगाते हो और सुंदर तरीके से पहुंचाते हैं। तो सभी लोग विशेष रूप से देवकी माता और पद्मा जो कंस की माँ थी वो इनके पास रहा करती थी, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुंचाने के लिए, सबको निमंत्रण देने के लिए जो है ना ये जिम्मा लिया। तो जब निमंत्रण देने के लिए जिम्मा लिया तो उस समय नारद जी को ये सेवा दी गई, और नारद जी बोले कोई बात नहीं, मैं सबको बुला के ले आ जाऊँगा, और ये सभी स्वर्ग से लेके और निम्न लोगों में सभी लोगों के विशेष रूप से देवी देवता गंधर्व किन्नर जितने भी लोग हैं सभी लोगों में भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ की निमंत्रण को उन्होंने प्रदान करते, घूमते घूमते ब्रह्मांड भर में घूमते घूमते उन्होंने निवेदन दी और निमंत्रण किए सारे देवी देवता वगैरह को। फिर वो जाते जाते उन्होंने देखा मथुरा राज्य, मथुरा जो एरिया है उस एरिया में बड़ा उस जगह से जब ये गुजर रहे थे उनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा, वहाँ का हवा जो है ना उनको मंत्रमुग्ध करने जैसा लगने लगा। वो सोचने लगे कि ऐसी जगह में मैं पहले क्यों नहीं आया था, कितना अच्छा लग रहा है जगह, चलो थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, सब लोग को बता बता के कि यज्ञ है यज्ञ है, आ जाना यज्ञ है, आ जाना यज्ञ है, तो थक गया हूँ अभी यहाँ पर थोड़ा, इतना सुंदर सुंदर शीतल हवा है, इस हवा का आस्वादन करता हूँ, इतना सुंदर शीतल जल है यमुना जी का, यहाँ पर मैं स्नान करता हूँ तो वंदना करता हूँ। ये सब करने के बाद उन्होंने देखा कि एक घर है जहाँ पर उस घर में नंद बाबा और यशोदा मैया रहती है, वहाँ पर जाते हैं और वो परिचय पूछते हैं तो कहते हैं कि नंद और यशोदा है। बड़े दुखी दुखी हारी लग रहे थे बेचारे, विशेष रूप से माँ जो है बड़े आँख जो है एकदम से ये हुआ था, धारा बह रही है, रो रही है, परिस्थिति जो है ना बड़ा सुहावना मौसम, परंतु वहाँ पे सभी लोगों के मन में एक दुख छाया हुआ था उन्होंने देखा। तो वहाँ पर जब भी पूछते हैं वो अपना परिचय देते हैं, नारद जी हैं, तो नंद बाबा पहचान जाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनका पैर धोते हैं, उनके सत्कार करते हैं। नारद जी कहते हैं हम ना द्वारका से आ रहे हैं, और द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण जो है वो एक बहुत बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं, और उस यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए मैं सब जगह घूम रहा हूँ। ये बात को सुन के रोने लगी यशोदा मैया, हमारा कान्हा यज्ञ कर रहा है और हमें नहीं बुलाया है। नारद मुनि बोलते क्या बोला आपने, तुम्हारा कान्हा कृष्ण आपका है? तो यशोदा महारानी कहती है कैसे बात करते हो नारद जी, वो मेरे कान्हा है, मेरा कृष्ण है, अगर आपका कृष्ण है तो फिर आपके बारे में तो मुझे बताया नहीं उन लोगों ने, आपके यहाँ पे इनविटेशन देने के लिए आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में, देखो मैं दिखाता हूँ लिस्ट, नाम ही नहीं है आपका कहीं पर, ये एड्रेस ही नहीं है यहाँ का। ये बात को सुन के यशोदा मैया तो मतलब उनका छाती दुख से दर्द करने लगा, वो रोने लगी फक फक करके, तो वसुदेव जी तुरंत संभालने लगे। जो पुरुष होते हैं उनका दुख बहुत ज़्यादा होने पर भी वो अपने आप को संभाल लेते हैं, माताएँ संवेदनशील होते हैं। यशोदा माँ सह नहीं पाई अपने कृष्ण की इस बातों को सुनकर, तो यशोदा नंद बाबा समझा रहे कि ओ पगली क्यों रो रही हो, कैसी कैसी सोच रखती हो, क्या कोई बेटा अपने माता पिता को इन्विटेशन कार्ड देगा, ऐसा कभी होता है? वो तो दूर के बंधुओं को दूर के संबंधियों को देगा ना इनविटेशन, अपने ही माता पिता को कोई थोड़े ना भला इनविटेशन देता है। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, तो हमें अभी संदेश मिल गया था, हमको पहुंच जाना चाहिए कथा में, हर हम पहुंचेंगे तो हमारा बेटा कितना खुश होगा ना। तो
यशोदा मैया कहती तो हम चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे हम यज्ञ में, सारे ब्रजवासी चलेंगे हम लोग यज्ञ में। इस बात को सुन के माता यशोदा को थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर तैयारी में लग जाते हैं और नारद मुनि कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। तो नारद मुनि चले जाते हैं, ब्रजवासी एक के बाद दूसरा तीसरे कान तक के पूरा ढिंडोरा पिट गए कि चलेंगे हम द्वारका जहाँ पर कृष्ण हमारे क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और ब्रजवासी तैयारी में लग गए, कोई माखन बनाने लगा, कोई रसगुल्ला बनाने लगा, कोई गुलाब जामुन बनाने लगा, गुलाब जामुन था क्या उस टाइम पे तो संदेश बनाने लगा, संदेश है कि नहीं, और बहुत सारे दूध दही माखन घी सभी प्रकार के जो वहाँ का फेमस चीज है कि नहीं, तो वो सब बनाने लगे। और वो जो सच में कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा था है कि नहीं, सोच रहे थे मेरा कान्हा कितने दिनों से दही नहीं खाया होगा, दूध नहीं खाया होगा ढंग से है कि नहीं, और माखन नहीं खाया होगा, कोई सोचता है कि संदेश नहीं खाया होगा। तो सब लोग हांडी भर भर के बना रहे हैं और सब लोगों ने तैयारियों में लग गए। और नारद मुनि रिटर्न जाते द्वारका में, वहाँ पर देवकी माता और पद्मा बूढ़ी कंस की माँ, तो वो सब मिले दोनों, अरे सब जगह इन्फॉर्मेशन दे नहीं वो मत नहीं, द्वारका पहुँच गए थे ना जब भी यज्ञ किए, द्वारका में यज्ञ हुआ था तभी, ये रानियाँ शायद शादी नहीं किए तो उस बीच की बात है एक्चुअली। तो पहुँच गए तो पूछने लगे देवकी माता, सबको बता दिए, सब बता दिए मैया, सब जगह सब घूम घूम के सब बता दिए। और मालूम है एक आश्चर्य की बात है, एक ऐसी जगह पर गया ना क्या बताऊँ मैं, नारद भी चालू हो गए पूरा वहाँ का गुणगान करना ब्रज का। और जब भी वो बोल रहे थे वो जगह के बारे में बता रहे थे और वो देवकी माता का अंदर डर बढ़ रहा था और पद्मा के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। नारद मुनि गुस्सा चढ़ा रहे थे इनके अंदर, तो सत्यानाश कर दिया नारद तूने, उधर क्यों गया। नारद बोल क्यों, इतना अच्छा जगह आपको अच्छा नहीं लगा, अरे वही तो जगह है, वही कुलंगार लोग है जिन लोगों ने मेरे कान्हा को कितना कष्ट दिए थे। क्या बात कर रहे हो, तो क्या वो नंदरानी 900,000 गाय है करके बोलते हैं, मगर थोड़ा सा मटकी फोड़ दिया हमारे कृष्ण ने करके उसको बांध दी थी, मालूम है तेरे को, इतने लोभी लोग हैं, चप्पल तक नहीं दिया था, खाली पैर जंगल में भेज दिया था गायों के पीछे पीछे, कांटा और पत्थर चुभ रहे थे हमारे कृष्ण को। मगर देवकी माता की ऐसी भाव व्यवहार नहीं था, देवकी माता का डर इस चीज का था कि वे आएंगे तो कान्हा उनके उनके अंदर कृष्ण के अंदर उनका प्रेम बढ़ जाएगा तो कहीं कृष्ण उनके पास चले ना जाए, ये देवकी माता का भाव था। फिर दोनों प्लान किया, अभी क्या करेंगे, ये लोग तो आ जाएंगे। देव पद्मा बूढ़ी माँ है, वो कह रही थी तू नारद कुछ ना कुछ ऐसे ही करता रहता है बीच बीच में ऐसे ऐसे कर, ठीक है कुछ प्लानिंग करेंगे। तो सारे सिक्योरिटी जो चीफ है, सिक्योरिटी चीफ को बुलाए, हाँ जो पहरेदार लोग होते ना, पहरेदार के जो मेन है उनको बुलाए, उनको बुला के बोले कि जो गेट से जो एंट्री गेट्स होते हैं द्वारका के, वहाँ पर तुम लोग ज़्यादा पहरेदार लगा देना, जो भी गाँवटी आदमी दिखेगा और स्पेशली अगर कोई ग्वाला दिखा दूध दही के साथ, उनको एंट्री नहीं देना। तो बोला कि ठीक है, सिक्योरिटी टाइट तो कर दिया, फिर भी इनके मन में जो डर है वो जा नहीं रहा था। तो वो जाके मेन गेट पे ही बैठ गई जाके बूढ़ी माँ। तब तक यज्ञ शुरू हो गया, सारे देवी देवता बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आ गए, भगवान श्री कृष्ण यजमान है तो यज्ञ में बैठे, आहुतियाँ चालू हो गया, पुरुष सूक्त के साथ आहुतियाँ डला जा रहा था, भगवान आहुति दे रहे हैं, ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा व्यवस्था, कितने सारे गेट्स लगे हुए हैं। और तो वहाँ पर कैसे यज्ञ होता है, ब्राह्मणों की पूरी रहेगी है ना, फिर ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय बैठे रहेंगे, फिर क्षत्रियों के बाद वैश्य बैठे रहेंगे, उसके बाद सो ना सेवा में लोग रहेंगे शूद्र लोग, और फिर बाहर रहेंगे, उसके बाद बाउंड्रीज रहेंगे, कितने सारे बड़ी व्यवस्था है द्वारका के यज्ञ हैं। तो अभी ये लोग आते हैं, हाथ में दूध दही माखन की भार है, जो नंदरानी गोपियां हैं वो लोग सब अपने माथे पे लिए हुए हैं, और सबके चेहरे में एक आनंद है, एक प्रफुल्लता है, एक आशा है कि कई सालों के बाद हमारे प्राण श्री कृष्ण का हम दर्शन करेंगे करके, बड़ी आशा लेकर वो आए तो मेन गेट पे रोक दिया, बोलते अंदर नहीं जा सकते हो। तो बड़े दुखी हो गए, अंदर नहीं जा सकते हैं, वो जो बूढ़ी है पद्मा वो तो चालू हो गई, और क्योंकि फ्रंट में तो नंद बाबा और यशोदा मैया ही थे, उन्हीं को सुनाने लगी, तुम लोग कैसे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आता है, उठा के चल देते हो यहाँ पर, सोचते नहीं हो, शहर में जाना है,
और राजा के घर पे जाना है, कैसे पहनना है, क्या ले जाना है, कुछ भी ये नहीं है। बिन बुलाए मेहमान के जैसे आ जाते हो। कितने लोभी हो, तू कितनी लोभी है। थोड़ा सा माखन का दही का मटका तोड़ दिया था हमारे कृष्ण ने, उसको तूने बांध कर मारा था। तूने जंगल में बिना चप्पल का भेज दिया करता था, तू ठीक से खिलाती नहीं थी बेचारे, दूसरे के घर में जाके माखन चोरी कर करके खाया करता था। और ऐसा लग रहा था कि वज्रपात हो रहा है यशोदा के अंदर। सोचो वो माँ कैसे सहेगी जिसने अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रेम की है जिसको, और कोई बता रहा है कि तूने अपने बच्चे को चप्पल ना पहनाकर तूने भेज दिया जंगल में, और अपने बच्चे को तूने ऐसे मारा जो थोड़ा सा दही का मटका तोड़ दिया करके, और वो माँ का हृदय कैसे सहन कर सकता है उसको, और वो भी जो प्राण है उसके लिए। और यशोदा मैया तो मतलब उनका आंसू तो सूख चुका था क्योंकि कृष्ण के विरह में, अभी यहाँ पर पद्मा की इस प्रकार की ताने वो तो सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जस्ट अभी मैं प्राण छोड़ दूँ, क्या मैंने सच में मेरे प्राण मेरे कृष्ण को इतना कष्ट दिया मैंने, और मैंने बच्चे मेरे कृष्ण इतने कष्ट में रहे, शायद इसीलिए कृष्ण वापस नहीं आ रहे ब्रज में, वो द्वारका में रह गए, यह सोचने लगी माँ। तब तक ना देवकी भी माँ थी ना, वो उनके दुख को सह नहीं पाई तो तुरंत ये पद्मा को रोकी, मैया आप चुप करो थोड़ा। तो वो समझाने लगी, दीदी आप चिंता मत करो, तो बूढ़ी माँ है ऐसे बोलती है। देवकी माता उनसे बात करने लगी, तो गले मिलने लगी, समझाने लगी सब। तब तक नारद मुनि पहुँच गए वहाँ पर, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यहाँ पर, लेकिन देखो ये आए हैं यशोदा मैया। हाँ यही तो है, यशोदा मैया कह रही थी मेरा कान्हा है करके, और आप बोल रही हो कि तुम माँ हो कृष्ण के। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है मेरे को कि एक बेटे का दो माँ कैसे हो सकता है, बड़ा टेंशन में ये मुझे थोड़ा जानना है। क्या देवकी माँ बेचारी क्या कहेगी, कुछ नहीं बोल रही है। तो बोले कि ठीक है अभी इनको सबके सामने लेके नहीं जाएंगे, गाउंटी लोगों को लेके जाएंगे, हमारा प्रेस्टीज लॉस हो जाएगा, है ना, नहीं बताएंगे हम इनको, कान्हा का प्रेस्टीज कृष्ण के प्रेस्टीज जाएगा। वो लोग तो जो गांव के बड़े सरल लोग हैं ना, वो एक भी जवाब नहीं दे रहे थे, ना यशोदा मैया दे रही थी, ना नंद बाबा, ना ब्रजवासी, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। सब लोगों के आंखों में आंसू हैं, दुखी हैं, और अबाक होकर देख रहे थे कि हमसे कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है। और सच में वो लोग सोच रहे कि हम कितने हीन लोग हैं कि हमने कृष्ण को सही से मतलब प्रेम नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, वापस नहीं आ रहे, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। गाँव के हृदय मतलब सरल हृदय वाले लोग हैं, कोई डिबेट नहीं कर रहे, कोई तर्क नहीं कर रहे हैं। तक तो बोले ठीक है कृष्ण को यहाँ बुला लेते हैं, उनसे मिला लेते हैं, फिर तुम यहीं पे कृष्ण को देख के चले जाना। तो सब लोग मुंडी हिलाए, ठीक है तो फिर कृष्ण को बुलाओ। बोले तो कौन बुलाएगा कृष्ण को, वहाँ पर वेद ध्वनि चल रही है, वहाँ पर मंत्र उच्चारण हो रहा है, यज्ञ चल रहा है, इतने जो शोरगोल चल रहा है, तो कौन बुलाने जाएगा। नारद मुनि बोले मैं नहीं जाऊँगा भीड़ में बुलाने के लिए। देवकी माता को बोले मैया आप बुलाओ ना, क्योंकि जो बेटा होता है ना, माँ का आवाज़ कहीं पर भी से आएगा वो सुन जाता है, उनके कान में पहुँच जाता है, बुलाओ। देवकी माता आगे पीछे देखी, बुलाओ ना मैया बुलाओ। नारद मुनि तो उकसा रहे थे, तो देवकी माता बुलाए, कृष्ण हे कृष्ण हे द्वारकाधीश हे वासुदेव, काय को सुनेंगे, वो नहीं सुने उनके आवाज़ नहीं जा रहा है उनका, वो अपना यज्ञ में तो लगे हुए हैं, वो स्वाहा स्वाहा हाँ ओम सहस्र शेर साहा पुरुषा वो चल रहा है उधर, वो उसमें लगे हुए हैं। बोले माँ बुलाने पर भी नहीं आए, ऐसे कैसे, नारद मुनि बोल रहे ऐसा। यशोदा मैया बोलते हे यशोदा रानी नंद रानी, आप कह रहे हैं ना आपके कान्हा है, आप बुलाओ देखते हैं। तो यशोदा मैया कुछ नहीं बोल रही। तब देवकी माता कही, दीदी आप बुलाइए ना, मुझे पक्का विश्वास है कि आप बुलाने पर वो आएंगे। तो फिर यशोदा मैया बुलाती है, कान्हा, अरे ओ कान्हा। तो ये केवल एक कान्हा शब्द सुनने मात्र से ही, कौन सा वेद ध्वनि, कौन से यज्ञ, कौन से मंत्र, कुछ नहीं, सब छोड़ दिए, ऐसे दौड़ने लगे देवी देवताओं के ऊपर से, ब्राह्मणों को छलांग लगाकर, सारे लोग टेंशन में आ गए, हुआ क्या द्वारकाधीश जी को अरे वो सुदामा जी भी आए थे उस समय पर भी ऐसा नहीं गए थे, इसी प्रकार से जा रहे करके, और एकदम दौड़ के आके यशोदा महारानी के गोद में चढ़ गए कृष्ण। वो वात्सल्य उमर आ रहा था उनके अंदर,
और यशोदा रानी के आंखों से आंसुओं की धारा और स्तनों से दूध की धारा बहने लगा, वात्सल्य प्रेम से बहने लगा, और ये पूरा जगत देख रहा था इस दृश्य को, वात्सल्य प्रेम। और देवकी माता अपना सर नीचे कर दी, चुप खड़ी रही। पद्मा के मुंह में तो कुछ नहीं था, सारे ब्रजवासी तो कान्हा की जय हो करने लगे, श्याम सुंदर की जय हो करने लगे। सब लोग खुश हो गए कि देखा ये यशोदा नंदन है, ये यशोदा नंदन है करके कहने लगे, क्योंकि वो माँ यशोदा की जो बोली है, जो बुलावा है, उसमें वो दर्द था, वो वात्सल्य प्रेम भरा हुआ था। तो जब भी यशोदा मैया बुलाती है इस प्रकार से, भगवान कृष्ण कहाँ दूर दूर रहते थे बच्चों के साथ खेल कूद में, अरे वेदो ध्वनि कहाँ रोकेगा उनको, वो बच्चों के खेल खुद ही नहीं रोक पाता था, तो वो खेलते थे तभी भी माँ यशोदा पुकारती थी तो तभी आ जाते थे। बहुत सुंदर एक भजन है वो, मतलब इसमें से जा रहा है, कान्हो रे मो कान्हो रे डाकू, उस बहुत सुंदर भजन है एक्चुअली, कि एक कान्हा हे कान्हू आपके मैया यशोदा जो है आपको बुला रही है करके ऐसा। तो जब यशोदा मैया बुलाती हैं तो तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं, तभी भगवान कृष्ण ने याद किया कि सामने देवकी मैया भी खड़ी है, अभी यशोदा मैया के गोद में है ना, तो देवकी मैया खड़ी है तो वो तो दुखी हो गई थी, तो कृष्ण मैनेज करने के लिए वो यशोदा मैया के गोद से उतर के देवकी मैया के गोद में भी चले गए, तो देवकी मैया को भी जाकर। ये पहली बार हुआ जिंदगी में कि भगवान कृष्ण देवकी मैया के गोद में गए, आज तक कभी देवकी मैया गोद में लेने के बारे में ना सोची भी थी, आज ये यशोदा रानी की कृपा से प्रभु आज देवकी के गोद में गए। सोचो, जो इतने सालों से सोच रही थी कि कब मैंने जन्म दिया, मेरे गोद से जन्म हुए, मगर मेरे गोद में मैंने कभी उनको मैंने लालन नहीं कर पाई, ये सुख जो है वो यशोदा रानी को मिला हुआ था, और उसी यशोदा रानी की कृपा से आज देवकी को ये सुख जो है वो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। फिर नारद मुनि सारा बोलती बंद कर दिए, कुछ नहीं बोले, पूरा जगत देख रहा था। और जब भी ये यशोदा रानी की महिमा को जब भी रोहिणी माता सुना रही थी द्वारका के रानियों को, द्वारका के रानियाँ तो मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, मगर भक्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, ये तीनों भाई बहन जो है वो महाभाव में चले गए थे, यानी अपने ही कथाओं को सुनते सुनते वो भावावेश हुए, और भावावेश से अधिरूढ़, मतलब अधिरूढ़ भाव जब भी होता है, भाव जो ना और ऊपर बढ़ जाता है, वो महाभाव का स्तर होता है। जब भी शरीर में विकार उत्पन्न होता है, जो भक्त होते हैं भगवान के उनके शरीर में सात्विक विकार उत्पन्न होता है, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु कहता है अष्ट सात्विक विकार जो है ना शरीर में उत्पन्न होते हैं, और उससे ऊपर जो ना अधिरूढ़ भाव कहते हैं, ये महाभाव जो ना सर्वोत्क ऊपर स्तर का भाव होता है, और ये केवल भगवान के स्थान पर ही पाया जाता है, भक्त में महाभाव वाला जो है स्तर जो है ना वो नहीं पाया जाएगा, ये केवल सात्विक विकार जो है उत्पन्न होते हैं। तो ये भाव का स्तर, विशेष रूप से महाभाव का स्तर जो है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के और श्रीमती राधा रानी के शरीर में पाया जाता है। तो जब भी कृष्ण अपने ही ब्रज लीलाओं को सुन रहे थे, बलराम सुन रहे थे और सुभद्रा देवी सुन रहे थे, और अंत में जब भी यशोदा की इस प्रकार की लीलाओं को सुने, अपने माँ की और ममता को, विशेष रूप से ये वात्सल्य जो ना शुद्ध वात्सल्य ऐश्वर्य के बिना वाला वात्सल्य को जब भी सुने, ये तीनों भाई बहन जो है वो महाभाव प्रकाश में गए, वे आश्चर्य से उनके आंखें बड़े 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 और बड़ा उनके सुन सुन के उनकी ग्लोरीज को बड़े बड़े हो गए, उनके हाथ एकदम कछुए के जैसे अंदर चले गए, पैर भी कछुए के जैसे अंदर चले गए, और तीनों महाभाव प्रकाश करने लगे, और वही कृष्ण बलराम सुभद्रा ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में दर्शन देने लगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो इस प्रकार से वो दर्शन देने लगे। ये महाभाव का स्तर को प्राप्त कर चुके थे तीनों भाई बहन, तो तीनों भाई बहन का इस प्रकार से इस महाभाव के स्तर पे होते हुए वो क्या कर रहे थे, अपनी कथाओं को वो सुन रहे थे, और ठीक उसी समय पर ये जो कथा चल रही थी द्वारका में चल रहा था, द्वारका की बात है, नारद मुनि
नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमण नामे। राधिका रमण के नाम पे बीना बजाते बजाते किधर भी चलते रहते हैं, तो वो द्वारका के ऊपर चल रहे थे, बोले कि ओ ये कैसा स्वरूप है भगवान की, ऐसा दिव्य अपरूप स्वरूप तो मैंने आज तक देखा नहीं प्रभु आपका। वो तुरंत वहाँ पर उतर गए और भगवान को प्रणाम प्रणाम करने लगे, स्तुतियाँ करने लगे। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो प्रार्थनाएं करने लगे विभिन्न, जैसे नारद मुनि का आवाज़ आने लगा तो कृष्ण बलराम और सुभद्रा वो अपने स्वरूप में नॉर्मल हो गए, कृष्ण बलराम सुभद्रा बन गए। नारद मुनि हाथ जोड़ने लगे, प्रभु आप भले ही छुपाना चाहते हैं मगर मैंने आपका इस दिव्य महाभाव के इस स्वरूप को मैंने देखा, जो शास्त्रों में भी वर्णन शायद ही नहीं मिलता है, रेयरली मिलता है, और ऐसा रूप को किसी ने दर्शन तक नहीं किया था। कृपा करो प्रभु ऐसी महावदान्याय स्वरूप का दर्शन आप जगतवासी को भी उपलब्ध कराओ और उनको आपका दर्शन करके कृपा प्राप्त हो सकता है। कैसे? आपके ही लीलाओं को सुनकर, आपके ही कथाओं को सुनकर, ब्रज और राधा रानी के विरह में आप इस प्रकार से जो है महाभाव के रूप को धारण करते हैं, राधा विरह विद्रोह जो रूप को आप धारण करते हैं उस रूप को कृपया फिर से धारण करिए। तो कृष्ण कहते हैं हे नारद जी अभी नहीं, अभी तो द्वापर चल रहा है तो मैं इसी समय इसी प्रकार के स्वरूप में रहूँगा, मगर ये कलयुग में जब ये ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो जाएगा, 51वां साल जब शुरू होगा, तब 51वें साल में हम तीनों भाई बहन इसी रूप में रहेंगे। उस समय हमारा नाम जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा होगा और हम समुद्र के किनारे नील सागर के किनारे नीलाचल के ऊपर जो है ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में हम निवास करेंगे। उस समय सभी लोगों को हम दर्शन देंगे और उनके उद्धार होगा जो लोग हमारे दर्शन करेंगे। ऐसे भगवान द्वापर में नारद जी को आशीर्वाद दिए हुए थे और उसके वजह से नारद जी को वचन देने के वजह से भगवान आज भी सुदूर उड़ीसा में उत्कल प्रदेश में नील सागर के किनारे नील पर्वत के ऊपर नीलाचल के ऊपर नीलकंदर के अंदर नील माधव के रूप में रहा करते थे, अभी वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में वहाँ पर विराजमान है। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का ये स्वरूप जो है वो राधा विरह विद्रोह जगन्नाथ है, या कृष्ण बलराम सुभद्रा जो है ये ब्रज के विरह में ये तीनों भाई बहन जो है ये महाभाव के स्तर पर गए हुए हैं। यानी कृष्ण बलराम सुभद्रा जब भी महाभाव के स्तर पर जाते हैं तभी वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनते हैं। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का जो स्वरूप का जो है वर्णन है, इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ कृष्ण बलराम सुभद्रा जो है वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है बने हुए थे। हरे कृष्णा।